हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी रोहिला। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल मीनाक्षी कुक हाउस में। फ्रेंड्स, ये मेरा आप लोगों के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता होगा। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं न्यू डिश पनीर वड़ा। पनीर वड़ा बनाने के लिए हमारे को जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिया है, 4 उबले हुए आलू लिए हैं, 2 बड़े प्याज ग्रेट करके और 2 हरी मिर्च इसी में ग्रेट कर दी है और थोड़ा सा अदरक, और 1 बोल लिए मैंने उबले हुए मटर के दाने, उनको मैश करके लिया है। कुछ मसाले हैं यहाँ पे, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, आधी टी स्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और आधी टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे 3 ब्रेड लिए हैं जिनको मैं भिगो कर निचोड़ के इसमें मिलाऊंगी जिससे इससे बाइंडिंग आएगी। इन सबको अब हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और मिक्स करेंगे। यहाँ हमने सबसे पहले इसमें आलू ले लिए हैं, ये प्याज लिए हैं, ये मटर के दाने ले लिए हैं और ये पनीर लिया है। अब इन सबको हमें मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है इसका। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, आप इसमें काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर इसमें हम ब्रेड मिलाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें अब मसाले सारे मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें ब्रेड डालेंगे। आप ब्रेड पानी में ऐसे डिप करके इसको निचोड़ के अच्छे से और इसको थोड़ा सा ऐसे तोड़ के इसमें डालेंगे, इससे इसमें बाइंडिंग आ जाएगी तो हमारे जो वड़े हैं ये बहुत अच्छे बनेंगे। आपको इसमें और कोई वेजिटेबल भी ऐड करनी हो तो आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने देखिए एक अच्छा सा डो तैयार कर लिया है सब मिक्स करके ब्रेड इसमें डालकर, और इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है। आप चाहो तो अमचूर पाउडर या चाट मसाला जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हो। अब हम इसका वड़े बनाएंगे। अब देखिए, आप थोड़ा सा ये हाथ में उठाइए और इसको गोल कीजिए पहले ऐसे, और फिर ऐसे शेप दे के, इसको टिक्की वाली शेप दे के, थोड़ा तेल लगा लो हाथ पे अगर ये चिपक रहा है तो, और इसमें उंगली से एक छेद कर दीजिए ऐसे। देखिए हमारे वड़े की शेप कितनी अच्छी आई है। ऐसे ही हमें सारे वड़े तैयार करने हैं। इसको छोटा या बड़ा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब हम ऐसे ही सारे वड़े तैयार करेंगे। देखिए हमारे ये वड़े बन चुके हैं। अब यहाँ पे हमने तेल गर्म होने रख दिया था, अब हमारा तेल भी गर्म है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। आप इसको एक एक आराम से उठाइए और इसमें डालिए। इसके लिए हमें तेल थोड़ा अच्छा गर्म चाहिए, तेज। तो तेल हमारा ठीक गर्म है। अब हम इसको पहले 2 बड़े फ्राई करके देखेंगे। गैस हमारे को इसमें बहुत कम भी नहीं करनी है और बहुत तेज़ भी नहीं करनी है, मीडियम चाहिए हमारे को इसके लिए। देखिए फ्रेंड्स, इसको सीखते हुए 1 मिनट हुआ है अभी और ये कितना अच्छा कलर आया है। अभी हमें 1 मिनट इसको और फ्राई करना है, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको कितना बढ़िया कलर आया है इसका। अब ये सिक्के बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको इस छलनी में निकाल लेंगे, जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो इससे निकल जाएगा। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, इसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। अब हम इसको एक टिश्यू पेपर पर रख लेंगे। इसी तरह हमें और सारे जितने बड़े हैं सब हम फ्राई कर लेंगे। आप इसको आराम से उठाइए और ऐसे कढ़ाई में डाल दीजिए, और इसको जो ऐसे नहीं कर सकते तो आप इसको करछी पे भी ऐसे लेके और इसमें छोड़ सकते हैं आराम से ऐसे करके, और इसको आप 1 मिनट तक मत छेड़िए जब तक कि ये थोड़ा सिक ना जाए। देखिए ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको फ्राई करें तो गैस को तेज रखें, नहीं तो ये फिर कम गैस पर टूट जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी प्लेटिंग तैयार है। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये। इसको मैंने म्योनीज, टमाटो केचप और नारियल की चटनी से सर्व किए हैं। आप इसको किसी से भी सर्व कर सकते हैं, हरी चटनी से भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।